उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने कहा और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार कहा कि बिहार में लोगों के लिए हम कमाई दवाई पढ़ाई सबका इंतजाम करेंगे। किया कुछ भी नहीं। अब इन लोगों को लगता है कि 2024 फिर से चुनाव आ रहा है, लोग हमसे पूछेंगे, लोग पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। इनके पास जवाब है ही नहीं, और जवाब नहीं है इसलिए कुछ ऐसी बातों को जनता के बीच परोस दो ताकि लोग जवाब नहीं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड का आज सतर्कता अभियान था, जागरूकता मार्च को लेकर आज तमाम जेडीयू के जो महिला कार्यकर्ता और जो नेता थे वो सभी सड़कों पर नजर आए। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जब गांधी मूर्ति के ऊपर माल्य अर्पण किया और उसके बाद जमकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, एयरपोर्ट से लेकर एम्स तक की बात कह डाली है। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए उनके बयान। सब लोग भाग लिए हैं और रोड पर उतरे हैं। मैं इस अवसर पर हम आमंत्रित करेंगे जो माननीय संसदीय बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको मैं दो शब्द कहने के लिए, समाज देने के लिए, समाज करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य संजय सिंह जी, संजय गांधी जी, रणवीर नंदन जी, नीरज जी, रविंद्र सिंह जी, ललन सराफ साहब और आप सब साथी जो इस कार्यक्रम में पटना जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी और तमाम नेतागण यहां उपस्थित हैं, साथ ही भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार भर में हमारे साथियों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक ढंग से सफल बनाने का काम किया है। न सिर्फ पटना में जहां आप देख रहे हैं कि कितना सफल कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि बिहार भर से, क्योंकि यह कार्यक्रम राज्यव्यापी कार्यक्रम के रूप में आयोजित था, तमाम प्रखंडों में कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी थी और उसके अनुकूल सभी प्रखंडों में वहां के साथियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर उस कार्यक्रम को काम बनाया है, सफल बनाया है। इसके लिए मैं तमाम बिहार के वैसे साथी नेता सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। साथ ही कई जगह से यह भी सूचना मिली है कि सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नेता साथी ही नहीं, आम जनता का भी व्यापक समर्थन मिला है, सहयोग मिला है। आम जनता यह बात समझ रही, जो बात हम लोगों के बीच ले जाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, या ठीक है कि हम लोगों का दायित्व तो है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में, या आम जनता को किसी भी साजिश के खिलाफ हम सतर्क करें, जागरूक करें, तो इस मकसद से हम लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन आम जनता भी चीजों को समझ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश में इनकी सरकार 7-8 वर्षों से चल रही है, लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। खासकर नौजवानों के लिए कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देने का काम करेंगे। लगातार रोजगार कम हो रहा है, भारत सरकार की नौकरियों में जो पहले जितनी संख्या थी धीरे धीरे उसमें कमी आते जा रही है। तो रोजगार क्या देंगे, बल्कि रोजगार की जो स्थिति पहले से थी उसमें भी काफी कमी आई है इनकी गलत नीतियों के कारण। साथ ही उस वक्त इन लोगों ने कहा था कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, खासकर बिहार भर के बारे में कहा था। स्वयं उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने कहा और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार कहा कि बिहार में लोगों के लिए हम कमाई दवाई पढ़ाई सबका इंतजाम करेंगे। किया कुछ भी नहीं। अब इन लोगों को लगता है कि 2024 फिर से चुनाव आ रहा है, लोग हमसे पूछेंगे,
लोग पूछेंगे, जवाब मांगेंगे, इनके पास जवाब है ही नहीं, और जवाब नहीं है इसलिए कुछ ऐसी बातों को जनता के बीच परोस दो ताकि लोग जवाब नहीं मांगे और उन्हीं चीजों में उलझ जाएं। यह जो इनकी साजिश है, इसी साजिश के तहत कभी इनके गृह मंत्री जी आकर बिहार में झूठ बोलकर चले जाते हैं। जिस दिन यहाँ गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पर्दाफाश किया, बताएंगे। उसी दिन एक और घटना घटी, देश के दूसरे राज्य तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ एम्स के बारे में कहा, एम्स का 95% काम पूरा हो गया है, जल्दी ही अब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन सच्चाई है, वहाँ से जो तस्वीर सामने आई, जो लाइव तस्वीर सामने आई, वहाँ जमीन खाली पड़ी हुई है, अभी निर्माण का काम शुरू भी नहीं हुआ। तो इस तरह से झूठ बोल करके लोगों को साजिश में लेना चाहते हैं और साथ ही साथ समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, समाज में लोगों को तोड़ना चाहते हैं, अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है, कुछ भी कर ले लोग, बिहार के लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं, रहेंगे, और कुछ भी लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि लोगों को भी हम आगाह करते रहें, आगाह करते रहें, और इसी के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम तमाम लोगों का जहां धन्यवाद करते हैं, वहां आम लोगों से अपील करते हैं कि उनकी साजिश में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान को 2024 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का जो अभियान है, उस अभियान को सफल करने का काम करना है। तो आप सब लोगों से, बिहार वासियों से, देशवासियों से अपील है कि आप सब लोग मिलकर इस मुहिम में नीतीश कुमार जी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आप लोग ने तो संविधान के रचयिता, संविधान प्रतीक भीमराव अम्बेडकर साहब जी के प्रतिमा से चलकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो सामाजिक सौहार्द और समाज सांप्रदायिकता के सौहार्द का मिसाल है, उनके प्रतिमा के नजदीक हम लोग जो संकल्प ले रहे हैं, में शिरकत की है, सब लोग भाग लिए हैं और रोड पर उतरे हैं। मैं इस अवसर पर हम आमंत्रित करेंगे जो माननीय संसदीय बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको मैं दो शब्द कहने के लिए, संवाद देने के लिए, संवाद करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, अरे कौन है नंबर यहाँ उपस्थित है, विधान परिषद के माननीय सदस्य संजय सिंह जी, संजय गांधी जी, रणवीर नंदन जी, नीरज जी, रविंद्र सिंह जी, ललन सराफ साहब और आप सब साथी जो इस कार्यक्रम में पटना जिला के अध्यक्ष रविंद्र जी और तमाम नेतागण यहां उपस्थित हैं, साथ ही भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं बिहार भर में हमारे साथियों ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक ढंग से सफल बनाने का काम किया है। न सिर्फ पटना में जहां आप देख रहे हैं कि कितना सफल कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि बिहार भर से, क्योंकि यह कार्यक्रम राज्य व्यापी कार्यक्रम के रूप में आयोजित था, तमाम प्रखंडों में कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी थी और उसके अनुकूल सभी प्रखंडों में वहाँ के साथियों ने, नेताओं ने, सब लोगों ने मिलकर उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, सफल बनाया है। इसके लिए मैं तमाम बिहार के वैसे साथी नेता सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही कई जगह से यह भी सूचना मिली है कि सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नेता साथी ही नहीं, आम जनता का भी व्यापक समर्थन मिला है, सहयोग मिला है। आम जनता यह बात समझ रही है, जो बात
हम लोग लोगों के बीच ले जाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, या ठीक है कि हम लोगों का दायित्व तो है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में, या आम जनता को किसी भी साजिश के खिलाफ हम सतर्क करें, जागरूक करें, तो इस मकसद से हम लोग सड़क पर उतरे हैं। लेकिन आम जनता भी चीजों को समझ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देश में इनकी सरकार 7-8 वर्षों से चल रही है, लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। खासकर नौजवानों के लिए कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम रोजगार देने का काम करेंगे। लगातार रोजगार कम हो रहा है। भारत सरकार की नौकरियों में जो पहले जितनी संख्या थी, धीरे धीरे उसमें कमी आते जा रही है। तो रोजगार क्या देंगे, बल्कि रोजगार की जो स्थिति पहले से थी उसमें भी काफी कमी आई है इनकी गलत नीतियों के कारण। साथ ही उस वक्त इन लोगों ने कहा था कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे, खासकर बिहार भर के बारे में कहा था। स्वयं उस समय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बार कहा कि बिहार में लोगों के लिए हम कमाई दवाई पढ़ाई सबका इंतजाम करेंगे। किया कुछ भी नहीं। अब इन लोगों को लगता है कि 2024 फिर से चुनाव आ रहा है, लोग हमसे पूछेंगे, लोग पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। इनके पास जवाब है ही नहीं, और जवाब नहीं है इसलिए कुछ ऐसी बातों को जनता के बीच परोस दो ताकि लोग जवाब नहीं मांगे और उन्हीं चीजों में उलझ जाएं। यह जो इनकी साजिश है, इसी साजिश के तहत कभी इनके गृह मंत्री जी आकर बिहार में झूठ बोलकर चले जाते हैं। जिस दिन यहाँ गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पर्दाफाश किया, बताएंगे। उसी दिन एक और घटना घटी, देश के दूसरे राज्य तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ एम्स के बारे में कहा, एम्स का 95% काम पूरा हो गया है, जल्दी ही अब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन सच्चाई है, वहाँ से जो तस्वीर सामने आई, जो लाइव तस्वीर सामने आई, वहाँ जमीन खाली पड़ी हुई है, अभी निर्माण का काम शुरू भी नहीं हुआ। तो इस तरह से झूठ बोल करके लोगों को साजिश में लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, समाज में लोगों को तोड़ना चाहते हैं, अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार है, कुछ भी कर ले लोग, बिहार के लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं, रहेंगे, और कुछ भी लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि लोगों को भी हम आगाह करते रहें, और इसी के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम तमाम लोगों का जहां धन्यवाद करते हैं, वहां आम लोगों से अपील करते हैं कि उनकी साजिश में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान को 2024 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का जो अभियान है, उस अभियान को सफल करने का काम करना है। तो आप सब लोगों से, बिहार वासियों से, देशवासियों से अपील है कि आप सब लोग मिलकर इस मुहिम में नीतीश कुमार जी का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग ने जो संविधान के रचयिता, संविधान प्रत्येक भीमराव अम्बेडकर साहब जी के प्रतिमा से चलकर, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो सामाजिक सौहार्द और समाज सांप्रदायिकता के सौहार्द का मिसाल है, उनके प्रतिमा के नजदीक हम लोग जो संकल्प ले रहे हैं।